हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकिता और इंडियन मॉम अंकिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको देने वाली हूँ अपने बहुत ही छोटे से स्मॉल किचन का टूर, जिसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। बेसिकली हम जबलपुर में रहते हैं, तो अभी हम यहाँ पर बिलासपुर में आए हुए हैं। तो बहुत ही छोटा सा रूम हमने रेंट पर लिया है, तो उस किचन को मैंने किस तरह से थोड़े से सामान में ऑर्गेनाइज़ किया है वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले किचन का ये है रूप। ये यहाँ पर मैंने गैस रखी हुई है और नीचे हमने रखा हुआ बर्तन, जो भी नॉनस्टिक बर्तन होते हैं या फिर घर में जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, तो यहाँ से इंटर होता है हमारे किचन में। नीचे मैंने रखे हुए हैं सारे बर्तन नॉनस्टिक वाले, जो भी पतीले वगैरह हैं या भी जो भी डेली यूज की कढ़ाई वगैरह है वो। बहुत सारे डब्बे नहीं हैं, बहुत सारे बर्तन नहीं हैं, बहुत ही कम सामान है मेरे पास। सब्जी रखने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 लेयर की जो बास्केट आती है वो ली थी, जिसमें मैं प्याज लहसुन अदरक और ये जो सूखा आइटम होता है वो मैं रख लेती हूँ। तो ये इससे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी रहता है और फैला हुआ भी नहीं रहता है। तो ये नीचे वाला काउंटर में मैं यही सब रखती हूँ, जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, जिससे कि मेरे बर्तन में बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह ना आए। यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं ये जो पतंजलि के डिब्बे आते हैं शहद वाले, उनका मैंने रीयूज़ किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं रह रही हूँ और मेरा वैसे भी पहले से ही किचन है जिसमें सारा सामान है। तो आप लोगों के कहने पर मैं ये किचन अपना टूर शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पतंजलि के डिब्बे में ही शक्कर चाय पत्ती नमक रखा है, यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड रखा है और ये मसालेदानी मैंने मंगवा ली थी, तो जिससे कि मसाले अच्छी तरह से स्टोर हो सकें। तो बस यहाँ पर मैंने इन्हीं को रखा हुआ और पीछे मेरी मिक्सी है। तो यहाँ पर थोड़ा लंबा स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर मैंने बर्तन रखे हुए हैं, मतलब कप रखे हुए हैं, तो ये 6 सेट है। एक को मैंने चावल निकालने के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने एक रखा है कंटेनर, जिसमें मैंने रखा हुआ अपना चाकू छिलनी जो भी है वो सब मैंने रख दिया है। ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर और छन्नी जो पूड़ी वगैरह तलने के लिए वो मैंने टंगा कर रखी है। यहाँ पर मैंने बर्तन मांजने के लिए जो हल्दीराम का डिब्बा होता है उसका यूज कर लिया है। और यहाँ पर मैंने अपना तवा चॉपिंग बोर्ड और जो रोटी सेकने के लिए स्टैंड होता है वो सब रखा हुआ है। तो सिंक थोड़ा सा अजीब टाइप की है, तो मैंने यहाँ पर स्टिकर टाइल से सबको कवर कर दिया है। नीचे मैंने बर्तन मांजने वाली टोकनी रखी हुई है अपनी। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अलमारी, इसको बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मैंने ऊपर रख लिए अपने कांच के बर्तन जो भी प्लेट वगैरह हैं वो सब, और ये नीचे हमने यहाँ पर स्टील के बर्तन जो डेली यूज़ में यूज़ होते हैं वो रख लिए हैं, जिससे कि किचन ऑर्गेनाइज रहे और यदि कम सामान भी है तो सामान फटाफट से मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे डिब्बे वगैरह नहीं हैं। तो यहाँ पर जो भी बॉटल्स वगैरह हैं वो मैंने यहाँ पर रख ली हुई हैं। और ये जो 4 डिब्बे दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही कम प्राइस में हैं, तो इसमें मैंने शक्कर चाय पत्ती और जो भी स्नैक्स वगैरह है वो रख लिया है। और नीचे जो भी बॉटल्स वगैरह वो रख ली है, जो भी ग्रॉसरी स्टोर जो सामान होता है वो मैंने इस डिब्बे में स्टोर करके रखे हैं, जैसे मैदा सूजी ज़्यादा सी शक्कर चाय पत्ती या फिर जो भी मटेरियल है, ये पानी की बाल्टी है। तो इस तरह का छोटा सा किचन है मेरा, बहुत ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है और ना ही इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सामान अरेंज किया है। बहुत सारे डिब्बे मैंने इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहना है। अब यहाँ पर हम 1-2 महीने और रहेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही सामान मैंने खरीद कर रखा हुआ है, जैसे कि मिक्सी मैं लेकर आई थी क्योंकि मिक्सी के बिना काम नहीं होता। और यहाँ पर मैंने स्टिकर टाइल्स लगाई हुई है जिससे कि मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहे, क्योंकि यदि किचन साफ है तभी हमारा किचन में काम करने का मन करता है, और यदि किचन साफ है तो काम करने का मन करेगा, साथ ही साथ अच्छा जो फ्रेशनेस होती है वो दिखती है। क्योंकि यहाँ पर गुलाबी कलर का कलर लगा हुआ है जिससे कि किचन थोड़ी सी दबा दबा कलर आता है। तो बस ये देख सकते हैं, बिना किसी सामान के भी हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को अरेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा लॉकडाउन का एक्सपीरियंस है। आई होप कि आपको मेरे ये शेयर पसंद आया होगा। तो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं इसलिए मैंने आप लोगों के साथ अपना बहुत ही छोटा सा किचन टूर शेयर किया है। तो ये देखिए, जो स्टिकर टाइल्स मैंने ऊपर से ही लगाया है, बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं लगाया है। तो मैंने इसके लिए 4 स्टिकर टाइल्स जो रोल होते हैं वो ऑर्डर कर दिए थे, जिसमें से ये वाला पोर्शन बच गया है बस इतने में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और जो स्टिकर टाइल्स के पीछे का जो कहते हैं कागज़ होता है उसको मैंने यहाँ पर बिछाने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो ये देखिए, बहुत ही छोटा सा स्मॉल किचन टूर आज मैंने आप लोगों को करवाया है। आई होप कि पसंद आया होगा।
इसी तरह मैं आपको अपने होम का टूर भी ज़रूर दिखाऊंगी, जिसमें कोई भी ज़्यादा सामान तो नहीं है, लेकिन मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है ये आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।